नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे दोनों बंद कर दिए गए हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड की वजह से, और तेज बारिश जो है वो चल रही है। काफी जगहों पर रास्ता बंद है, यात्री जो है वो रास्ते में फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आखिर कहां कहां पर रास्ता बंद है और किस वजह से। देखिए आशा, जहां तक आज सुबह सुबह वादी कश्मीर के 6 बजे से लेकर अगर मैं बात करूँ तो बारिशों का सिलसिला काफी ज्यादा तेज हो गया, जिसे हम मॉनसून शॉवर कह सकते हैं। और हमारी बात डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सोनम लोटस से भी हुई थी, तो उनसे हमने जाना कि आखिरकार सर ये क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है या कुछ और वजह है। तो उनका मानना है कि जिस तरह से लगातार गर्मी जो है कश्मीर में बढ़ रही थी, तो अब जो मौसम है वो मॉनसून के हवाले से दिखाई दे रहा था, तो इसकी वजह से हमने क्लियर किया था कि 72 आवर्स तक जो है बारिश बहुत तेज हो गई है। मैं अपनी कैमरामैन से कहूंगी कि मुझे भी अपना छाता जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि लगातार स्पीकर पे पानी जो है वो गिर रहा है। अब मेरे कैमरामैन बिना छाते के हैं। तो फिलहाल इरफान, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि कौन लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि यात्रा भी है। एक जानिब आशा, अगर देखा जाए तो जो लेह लद्दाख का जो रोड है, कल रात को एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी वजह से जोजिला जो पहाड़ी है, जो मेन पहाड़ी है लेह लद्दाख के रास्ते की, वो कट हो गई थी, जिसको बेकन जो है रास्ते ही काम करने लग गया था। और नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो गाड़ियों की जो आमद रफ्त है वो तो जारी है, मगर बारिशें जो है वो लगातार बहुत ज्यादा तेज हो गई है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग सड़कों पर खूब दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। और जिससे भी देखा जाए तो मार्केट को लेकर अभी जिस तरह से मार्केट वगैरह अभी सुबह सुबह लोग जिस तरह से शॉप्स खोलते हैं, उन्होंने वो अभी तक नहीं खोली, क्योंकि लाल चौक का इलाका जो है हरी सिंह हाईवे वो पानी से भर गया है। इवन VIP कॉलोनीज जो है वो पानी से भर गई है। हमारी बात फ्लड इरिगेशन कमिश्नर और दीगर लोगों से भी हुई थी, तो उनका कहना है कि जिस तरह से बारिशें हो रही है ये अनस्टॉपेबल है और इसे रोकने। इरफान, अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो क्या वो यात्री भी रास्ते में फंसे हुए हैं कहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे? देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप अपर हिल्स की बात करेंगे तो अपर हिल्स में जिस तरह से फ्लक्चुएशन वेदर को लेकर होती है वो तो नॉर्मल डेज में चलती रहती है, मगर फिलहाल जिस तरीके से इस वक्त मौसम के आकार है और मौसम जिस तरह से बना हुआ है उसकी वजह से जो है यात्रा पर भी असर पड़ा हुआ है, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से बारिशें वहाँ काफी ज्यादा तेज हो गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को भी रोका गया है। क्योंकि जिस तरह से क्लाउड बर्स के वाकाफ जो पेश आ रहे हैं दिल्ली साइड को लेकर, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगी कि खुदा ना खासा कोई ऐसा पेश मोड सामने आ जाए जिसकी वजह से यात्रा को भी परेशानी उठानी पड़े। सबसे अहम बात ये है इरफान कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रशासन बहुत दावे करता है कि बरसात आने वाली है, हर काम उन्होंने कर लिया है, कमर कस ली है, लेकिन जब इस तरीके से बातें सामने आती हैं तो कितना काम प्रशासन के द्वारा किया गया है? देखिए आपने सही फरमाया कि अगर प्रशासन की हम बात करेंगे तो वो उनका मानना होता है कि वी आर ऑन टोर्स, मगर सिचुएशनली अगर हम देखेंगे तो वाटर लॉगिंग जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में, और कश्मीर घाटी के साथ साथ जो भी एरियाज है वो फ्लडेड एरियाज है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम तवज्जो देता है, और अगर देता भी है बहुत तो अच्छा है। मेरे कैमरामैन को भी छाता मिल गया वैसे, लेकिन एक और बात मैं जानना चाहूंगी इरफान कि लगातार लोग वहां पर फंसे हुए हैं, क्या लोगों को कहीं पे पहुंचाया गया है, रेस्क्यू वहां से किया गया है जहां पर रास्ते खराब हो चुके हैं? देखिए जाहिर सी बात है, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर ट्रैफिक महकमे की बात करेंगे, उन्होंने भी इतला दी है कि अभी जो नेशनल हाईवे पर गाड़ियां हैं उनकी जो आमद रफ्त है वो उस तरह से आगे नहीं बढ़नी चाहिए जिस तरह से बढ़नी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक के जो SSP है उन्होंने भी इवेंट किया था कि अगर कोई मूवमेंट करना चाहता है या जाना चाहता है या नेशनल हाईवे से ट्रैवल करना चाहता है वो पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट को पहले कॉल करें, उनके साथ पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़े, और उनका यही मानना है कि बेहतर रहेगा जब तक कि बारिशों का सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड के काफ़ी खतरात होते हैं जिस वजह से यात्रा के साथ साथ लोकलाइज को भी सफर करना पड़ेगा, तो उनका कहना है कि अभी इन सारी चीज़ों को लेकर पहले कम से कम इन्फॉर्म करना या RI लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि इरफान फाजिल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें सीधे तौर पर बताया है कि कहां कहां पर लोग वहां पर फंसे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे लगातार बंद है।
जब तक रास्ते को साफ नहीं किया जाता, क्लियर नहीं किया जाता, तब तक पूरी यात्रा को रोका गया है और हर एक आने जाने वालों को रोका गया है। तो फिलहाल आपको यही कहेंगे कि अगर कोई घर से निकलना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, तो एक बार कंफर्म करें, फिर उसके बाद निकलें, क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पानी जगह जगह पर भर गया है और लैंडस्लाइड होने की वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और इसीलिए अगर आप लोगों को भी घर से कहीं बाहर जाना है, पहाड़ी इलाकों का रुख करना है, तो एक बार कंफर्म ज़रूर करें, उसके बाद ही घर से बाहर निकलने का प्लान बनाएं। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।